तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपको क्या क्या ले जाना जरूरी है, क्या क्या चीजें मस्ट हैं, तो ये चीज आप ध्यान से सुन। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इजिली कोजेंट यानी कोजेंटेक मंत्रा मतलब एनी काइंड ऑफ बीपीओ एनी काइंड ऑफ कॉल सेंटर, कैसा भी कस्टमर आपके पास आएगा वो आपको अब्यूज भी करेगा, वो आपसे उल्टा सीधा भी बोलेगा। अब एक चीज हमेशा बच्चा गलती कर देता है कि वो पर्सनल ले ले, तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मेरा काम आएगा जो आपको बता रहा हूँ, तो बिजनेस मेरा है, मैंने कहीं से आउटसोर्स किया, अब मैं उसका प्रोसेस चलाऊंगा। तो ये कैसे दिखाऊंगा आपको बारिश आ रही है, भरोसा कर लो यार, ऐसे ही भरोसा कर लो। पीछे देखो, आई होप दिख गया होगा पीछे, बचा लो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खोज कर रहे हैं। तो फाइनली आज आपके पास वो वाला ब्लॉग आ चुका है जिस ब्लॉग का काफी लोगों को इंतजार था। काफी लोगों को इंतजार मतलब कि एक जब इंटरव्यू देने जाए बच्चा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाए, क्या क्या सर्टिफिकेट्स लेकर के जाए, वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज आपका भाई आपको देने वाला है। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास शेयर करने के लिए आया हूँ, तो ये जो लोकेशन है ये सेक्टर 22 का लोकेशन है, ये पार्क है, यहाँ पर बहुत अच्छा पार्क है, मुझे इसका नाम वगैरह तो नहीं पता है कौन सा पार्क है। तो फाइनली अब हम शूट करते हैं आप लोगों के लिए जो क्या क्या लेकर के आपको जाना चाहिए और क्या क्या लेके आपको नहीं जाना चाहिए। तो आज फाइनली मेरे पास टाइम है तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको कंटिन्यूअस ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहे। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए आओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करोगे, तो सबसे पहले तो आप 12th पास होने चाहिए, 12th पास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद आता है आपका पर्सनल डिटेल में आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, राइट। आधार कार्ड के बाद आपके फोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन मस्ट होना चाहिए, और जो दोनों वैक्सीनेशन है वो दोनों वैक्सीनेशन का स्टेटस कंप्लीट होना चाहिए। आपसे कलेक्ट कराना पड़ेगा, जो आपको बनवाना पड़ेगा वो होता है आपका रिज्यूमे, तो आपके पास रिज्यूमे होना चाहिए। देखो क्या क्या हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई आपकी, एंड देन आधार कार्ड हो गया और आपका रिज्यूमे हो गया, तो ये तो कंप्लीट डिटेल लेकर के आनी होता है कि कौन कौन बच्चा आया है। तो आप जिस भी जहां से भी आप आए हो वहां पर आप आकर के कंप्लीट अपनी एंट्री करो, एंट्री करने के बाद आप अंदर जाओगे HR राउंड में, मतलब यानी कि फर्स्ट राउंड। तीन कंपनियों की बात कर रहा हूं आपसे, जिस कंपनी में आप ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे आएंगे तो इजीली आपको ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन मेरा काम आएगा जो आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट कंपनी इज कोजेंट जो कि नोएडा सेक्टर 63 में लोकेटेड है, मैं एड्रेस आपको दे रहा हूं सामने मिल जाएगा, एंड देन सेकंड वन इज टेक महिंद्रा जो कि सेक्टर 60 में लोकेटेड है, उसका भी मैं आपको एड्रेस दे रहा हूं वो भी मिल जाएगा, एंड देन सेक्टर 62 में लोकेटेड है टेक महिंद्रा, ठीक है। एंड थर्ड कंपनी इज एनर्जाइजर जो कि सेक्टर 60 में लोकेटेड है, इसका भी मैं एड्रेस दे रहा हूँ। तो इन तीनों कंपनियों का इंटरव्यू का प्रोसीजर बता रहा हूँ, जब आप इंटरव्यू देने के लिए आए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, विच इज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी पता, अगर ये सब कुछ है तो इजिली आप आ सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वट इज मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो सबसे ज्यादा आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, तो आप अपने बारे में लिखना शुरू करो। माई नेम इज अर्पित यादव, आई एम बिलोंग फ्रॉम फिरोजाबाद, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2016, इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू लिसन म्यूजिक एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। एंड देन वो आपसे पूछते हैं वट इज योर स्ट्रेंथ एंड वट इज योर वीकनेस, तो कभी भी आपको अपनी कभी भी किसी को आपको अपनी वीकनेस नहीं बतानी है ना नेगेटिव वे, ऑलवेज पॉजिटिव वे में आपको अपनी वीकनेस बतानी है। एंड देन स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ में आपको क्या बताना पड़ेगा कि मैं बहुत जल्दी फ्रेंडली नेचर है मेरा, मैं लोगों के साथ बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर सकता हूँ। बिकॉज जब भी आप देखो किसी भी बीपीओ में काम करते हो तो बीपीओ में नए नए लोग मिलते हैं आपसे, नए नए लोगों के साथ आपको एज अ टीम बॉन्डिंग बना के काम करना पड़ता है, तो नए लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आपको बतानी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, राइट। एंड देन आता है फिर आपका सेकंड राउंड, देन सेकंड राउंड में फिर आपसे पूछा जाता है कि आपकी स्किल्स क्या है, स्किल्स में आप ऐड कर सकते हो कि मेरी टाइपिंग स्किल्स इतनी है 35, देखो मिनिमम जो मांगते हैं टाइपिंग स्किल्स वो 25 मांगते हैं, 25 वर्ड्स पर मिनट है। एंड देन सेकंड राउंड में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया ये चीजें स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा। देन थर्ड राउंड होता है आपका, दैट विल बी योर क्लाइंट राउंड, तो जिस भी प्रोसेस के लिए आप जा रहे होंगे तो वो प्रोसेस वाला आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा। जैसे सपोज मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप पीटीएम के प्रोसेस के लिए जा रहे हो, एंड देन मैं भी बताता हूं आप एक MMT प्रोसेस होता है मेक माई ट्रिप, राइट। अब इस प्रोसेस में जा रहे हो तो क्लाइंट आपसे मोस्ट प्रॉब्ली यही पूछेगा कि आपको ट्रैवलिंग के बारे में नॉलेज है, आपने कहीं ट्रैवल किया है आउट ऑफ इंडिया या अपने आउट ऑफ स्टेट आपने कभी ट्रैवल किया है, सो दैट आपके पास जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप कस्टमर को तो समझा ही नहीं पाओगे, राइट। देखो जितना आपको पता होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप किसी को बता सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको कलेक्ट करके लेकर के आनी होती हैं। एंड देन फोर्थ राउंड होता है विच इज अगेन HR राउंड, HR राउंड में फिर आपका होता है फाइनली सैलरी डिस्कशन। हाँ, सो हम बात कर रहे थे जब आपका प्रॉपर इंटरव्यू हो जाता है HR के बाद, तो फिर HR आपसे बोलता है कि नेक्स्ट डे आपको डॉक्यूमेंट लेके आने, या तो सेम डे आपका इंटरव्यू अगर जल्दी कलेक्ट हो गया। देखो बेसिकली इंटरव्यू आपका ले लेता है पूरा दिन कंप्लीट
डेफिनेटली लग ही जाता है। आपको किसी भी कंपनी में जाओगे, चाहे आप टेक महिंद्रा में जाओ, चाहे आप कोजेंट में जाओ, चाहे आप एनर्जाइजर में जाओ, कितने भी नोएडा के बीपीओज हैं, इनमें बेसिकली आपको पूरा का पूरा दिन, अगर आपका लास्ट राउंड तक आप आ रहे हो तो पूरा दिन लग जाएगा। अदरवाइज आपका रिजेक्शन होना होगा तो फर्स्ट राउंड में आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपको, अगर आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ ही नहीं बता पाओगे तो देखो एचआर को पता लग जाता है, बिकॉज आप एचआर का तो काम ही यही है बच्चे को हायर करना। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी, एचआर को लगेगा यस यू आर कैपेबल, आप कस्टमर हैंडलिंग कर सकते हो बेसिकली। देखो अब बीपीओ करता क्या है, मैंने एक एग्जांपल देता हूं, तो बीपीओ बेसिकली छोटे शब्दों में क्या होता है, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस और आउटसोर्स, राइट। तो ये तीन चीजें हो गई। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर करती है बच्चों से काम कराने के लिए, तो बिजनेस मेरा है, मैंने कहीं से आउटसोर्स किया, अब मैं उसका प्रोसेस चलाऊंगा, तो ये होता है हमारा बीपीओ का मतलब। अब वही सेम आप फ्लिपकार्ट के लिए, जैसा कि मैंने अभी एमएमटी बताया, आप फ्लिपकार्ट के लिए आप हायर हो गए, अब उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपको क्या क्या ले जाना जरूरी है, क्या क्या चीज़ें मस्ट हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान से सुनना कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम अगर आपका बीपीओ में सिलेक्शन हो गया है और आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब सुनो मुझसे, देखो सबसे पहले तो आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, राइट, एंड देन उसके बाद आपका आधार कार्ड, एंड देन उसके बाद आपका पैन कार्ड, एंड देन उसके बाद आपके आएगा रिज्यूमे, रिज्यूमे की फोटोकॉपी, एंड देन उसके बाद आएगी आपकी बैंक डिटेल, राइट। तो ये बैंक डिटेल भी आपको लेकर के जानी है। एंड देन उसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने पहले ऑलरेडी कहीं पे काम किया हुआ है तो मस्ट आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होगा, तो अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो उसकी भी जेरोक्स कॉपी चाहिए होगी। और जितने भी मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए इन सबका आपको सिर्फ जेरोक्स चाहिए, जेरोक्स के अलावा कोई भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने, साथ में आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे एचआर को कि ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एंड ये मेरा जेरोक्स है। एंड सबसे लास्ट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी, वो होते हैं आपके 4 पासपोर्ट साइज फोटो, राइट। तो 3 जो फोटोज होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में लग जाते हैं, डॉक्यूमेंट में लगने के बाद 1 जो फोटो होता है वो आपके आईडी कार्ड पर लगता है, जो आपको आईडी दिया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्किंग है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका आईडी कार्ड है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन होती है, एंड देन उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद एक बच्चा फिर हैंड ओवर कर दिया जाता है ट्रेनर के पास, यानी कि जस्ट एज अ ट्रेनर मैं काम करता हूं, फिर उसके बाद बच्चा आ जाता है मेरे पास। अब जस्ट सपोज मैं रैपिडो में काम करता हूं, ठीक है, अब रैपिडो कंपनी का बेसिकली कस्टमर सपोर्ट कौन होगा, अब ये बिजनेस आउटसोर्स प्रोसेस जो हमने किया है बीपीओ, यही तो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराएगा, तो इसके लिए हमें बच्चे चाहिए, तो बच्चों की हायरिंग होगी। अब मेरा काम होगा एज अ ट्रेनर, मैं बच्चे को ट्रेन करूं, ट्रेन करके अपने प्रोसेस में जाकर के लाइव करूं, एंड देन लाइव करने के बाद फिर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्रॉपर कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व करे एंड उसको सेटिस्फाइड करे, उसको बोलते हैं हम कस्टमर, यानी कि कस्टमर एक अपने आप में ही वर्ड है विच इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इजीली कोजेंट, यानी कोजेंट टेक महिंद्रा, मतलब एनी काइंड ऑफ बीपीओस, एनी काइंड ऑफ कॉल सेंटर्स, आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपके पास पेशेंस है तो। बिकॉज ऑफ कैसा भी कस्टमर आपके पास आएगा, वो आपको अब्यूज भी करेगा, वो आपसे उल्टा सीधा भी बोलेगा। अब एक चीज हमेशा बच्चा गलती कर देता है कि वो पर्सनल ले लेता है, तो पर्सनल कस्टमर आपको तो कस्टमर जानता भी नहीं है कि आप बेसिकली हो कौन, राइट। कस्टमर एक दे रहा होता है उस कंपनी को, जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जस्ट सपोज आप रैपिडो के लिए काम कर रहे हो तो कस्टमर वो रैपिडो को सुना रहा है, ना कि आपको सुना रहा है वो, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको करेक्ट करके ले जाने होते हैं। तो आई होप आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते थे। तो वीडियो को लाइक करके जाना, एक कमेंट करके जाना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।